बाय। आपका ना, आपका हैंकी बैग के अंदर पड़ा है परी, ठीक है? आपको नोजी आया तो निकाल के साफ कर लेना, ठीक है बेटा? ओके बाय, लव यू। निशा गामरा फैन ब्लॉक के सब। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप मैं सब ठीक होंगे। तो आज दिन की शुरुआत करूँ, आपका दिन अच्छा जाए, शुभमंगलम जाए, तो मेरा दिन भी अच्छा जाए। बस अभी बच्चे को स्कूल छोड़ के आई हूँ। थोड़ा आज उसको कोल्ड हो रहा था, खांसी हो रही थी, फिर उसको मेडिसिन दे के मैंने भेजा, क्योंकि स्कूल की भी ज़्यादा छुट्टियाँ ना हो तो फिर स्टडी पीछे रह जाती है बच्चे की, तो स्कूल में बच्चे आगे निकल जाते तो परी पीछे ना आ जाए, तो इसलिए मैंने उसको आज स्कूल भेज ही दिया। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक तो नहीं थी, लेकिन दवाई दे दी थी मैंने, फिलहाल थी, फिलहाल ही भेजी है उसको। तो बस गाइस, आज आप कह रहे थे कि चने की दाल की चावल की रेसिपी बताइए, तो सो गाइस, पहले आप चने की दाल को भिगो लीजिए 1 घंटा पहले गर्म पानी में। फिर उसके बाद आप प्याज काट लीजिए, जीरा में उसको रिफाइंड में या देसी घी में बनाना हो तो देसी घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है। पहले आप जीरा भून लीजिए, प्याज भून लीजिए, लंबे लंबे काट लीजिए, थोड़ा सा वो ब्राउनिश हो जाए प्याज जीरा। फिर उसके बाद आप दाल डालिए, चावल डालिए, जैसे भी 1 कटोरी दाल है तो आधा गिलास चावल डाल दीजिए उसमें, और 1.5 गिलास पानी डालिए उसमें, नमक मिर्च और गरम मसाला। बहुत से लोग हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मैं हल्दी वाली नहीं डालती, मैं नमक मिर्च और गरम मसाला ही डालती हूँ, और थोड़ा तेज पत्ता डाल दो उसमें, थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो गाइस, आप ट्राई कीजिएगा उस पर और बना के बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कैसे है। तो मैंने आपको आज रेसिपी चने दाल की दाल चावल बना दी है। तो अभी लंच में देखो क्या होता है, अभी डिसाइड कुछ हुआ नहीं है, तो ये मैं पूछती सुनील जी क्या खाते हैं। तो मिलती हूँ आपको लंच के साथ। आ गया। आज क्या मिला स्कूल में? होमवर्क मिला था इसको तो। मैडम को आज स्कूल में क्या खाया आपने? अरे क्या खाया? मैंगो हैं? वो तो भाग रही है सुनील जी मेरी बात। क्या बात है, नाराज है मेरे से? कहाँ चली सवारी? सवारी आज जा रही है नया बेड देखने, और परी कहती है दादी अपना बेड ला रहे हो, मेरा भी लाना। अब मैं परी के लिए भी ला रही हूँ, पसंद कर रही हूँ। अच्छा, परी के लिए भी छोटा सा बेड लेने जा रहे हैं? अच्छा, मतलब परी का रूम रेडी करवा रहे हो आप? हाँ, परी का रूम सेट होगा, छोटा सा बेड आगे, उसका किताबें कॉपियां सब एक जगह सेट रहेंगी। अब अब बड़ी होगी ना वो भी भाई, अब उसके लिए भी बेड लाएंगे, उसकी किताबें वगैरह सेट करेंगे, उसके कपड़े, उसके कपड़ों की एक वो बनवाएंगे, अलमारी बनवाएंगे जहाँ भी कपड़े रहेंगे सारे, उसकी नोनी फाकी सारी। तो दादी आप क्या कहना चाहेंगे? परी है ना बहुत तेज है, मैंने कहा दादी है ना बेड देखने जा रही है, कह रही मेरा भी बेड आएगा, मेरा भी आएगा। मैंने कहा हाँ तेरा भी आएगा। मैंने अपने बेटे को कहा मेरा ले या ना ले, परी के लिए पहले ले बनाएंगे। आपको क्यों नहीं आएगा? नहीं नहीं परी बेड आएंगे तो आएंगे ना तो नहीं आएंगे। नहीं नहीं परी ने डिमांड करी है, परी का सबसे पहले आएगा, दादी के साथ आएगा। ऐसी क्या बात है, ऐसे को पूछो। और पोती मांगे और दादी ना लेके दे, लेके देंगे। अरे गाइस कहते हैं कहते पोती और दादी की बॉन्डिंग एक जोड़ी नंबर वन है। बेड पे बैठ के पड़ेगी उसकी ना, वो दादी और पोती दोनों एक जैसे लगते हैं। वो जो एक बार लिया था ना पापा लेके आए थे, बेड पे बैठ के वो टेबल रख के पड़ेगी और होशियार बनेगी। टेबल उसी में पड़ी रहेगी, वहीं पे अपना पड़ेगा, और उसके बेड पे खिलौने वगैरह जो खेले अपना बेड पे खेले। चलो देखो उसका रूम एक अलग सजा देना। सही है, अब वो समझदार होगी, हर चीज बोलती है। गाइस ये लक्ष्य फर्नीचर है, उत्तम नगर में यहाँ पर आए हैं। ये इनकी होलसेल की दुकान है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, और यहीं पे रिटेल होलसेल सब कुछ करते हैं। मुझे तो मम्मी ये वाला पलंग अच्छा लग रहा है। फोटो के लिए पापा को दिखा दे। हाँ फोटो मैंने खींच ली है। एक ये भी पलंग अच्छा है, ठीक है, और एक पलंग ये वाला भी अच्छा है। ये भी डिजाइन है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये एक तरफ डिजाइन है? ये नहीं, ये बैक का डिजाइन है, और जो फ्रंट का नीचे का होता है सेम ऐसा डिजाइन है। ये देखो इधर आओ, ये देखो, ये आगे बैक आर्ट का डिजाइन है। नहीं नहीं ये जो डिजाइन है ये हाँ इधर तो नहीं है। नहीं ये वैसा डिजाइन बना हुआ है ना, एक तरफ ऐसे और एक तरफ डिजाइन ऐसा बना हुआ है। कलर तो ये कैटलॉग है, आप जैसे मैं दे लो कलर दिखा देंगे, बना देंगे। बस आपने डिजाइन पसंद कर लिया, कलर दिखा। देखो जैसे ये कलर हो गया नॉर्मल, ये कलर हो गया, ये भी डिजाइन अच्छा है। कलर अपने ये मतलब इन्होंने कलर डार्क बना रखे हैं। ये डिजाइन तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ज्यादा तो बहुत। हाँ
एक मम्मी ये डिजाइन पे चला रहा है, जो पूजा मन्नू ने लिया है ना डिजाइन, उनका कलर कलर दूसरा है और ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। नहीं वो वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ वो आप ले लो भैया, ये छोटा उसके ले लेते हैं। तो गाइस हम पलंग लेने आए थे, मम्मी को ये सोफा भी पसंद आ गया है। मम्मी कैसा लग रहा है सोफा? मेरे को तो ये डिजाइन अच्छा है। ये भाई कितने का है? ये वाला 18,000 का है। तो ये वाला इतना महंगा क्यों है भाई? हैं वो हैवी है, सोफा अच्छा लग रहा है। ये वाला पर सोफा अच्छा लग रहा है, ये बीच में गैप क्यों है? कहाँ गैप? ये सो गद्दियाँ तीन है ना। हाँ तो छोटी गद्दियाँ ना, इसमें बड़ी आएंगी ना। ये 2.5 फुट वाली गद्दियाँ, 2 फुट वाली है? मैं बता दे रहा हूँ, इसकी बैक है मोटी। अच्छा इसीलिए इसकी गद्दी। अरे सुनो ये देख, बहुत मोटा है ये देख। और चल रहे हैं कोठी वोठी में, आचे चलते ही हम सिंपल सारे लोग हैं। नहीं नहीं मेरे को तो पसंद आ गया। अरे सुनील तू ले, अरे इसका निशा मना कर दे। मैं वैसे जा रहा हूँ, अभी लेट होना रहा हूँ, देख रहा हूँ। हेलो इसका ये टू सेट देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये कलर लाइट है, कलर मतलब जो मर्जी लगवा लो, पैक होके बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी गाइस सोफा बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ 22,000 रुपये का है। 22,000 कह रहा है, अभी और कम कर दे रहा है, 16, 17, 18, 20 तक दे देगा। लेकिन 5 सीटर है, 2 ये 2 सीटर है और वो 3 सीटर है। बहुत बढ़िया सोफा है, सेंटर टेबल इसके लिए लेनी पड़ेगी अलग से। क्या हाल है आपके सुनील जी? मिशा तेरे चक्कर में धूप में धक्के खा रहा हूँ। क्यों मेरे चक्कर में क्या खा रहे हो? मैंने क्या कर दिया भाई? अब तेरे चक्कर में बेड देखने गया हूँ, इतनी गर्मी है, रास्ते हैं, पूछो मत। और बेड पसंद करके आया हूँ 2 है? मैंने लिया नहीं है, मैं कहा निशा फाइनल करेगी तभी लाऊंगा। अच्छा पसंद आ गए? हाँ पसंद आ गए तो फिर लेने में कोई दिक्कत ही नहीं। और शायद मुझे भी एक पलंग और एक सोफा दो चीज पसंद आई है, और मम्मी को भी एक सोफा और एक पलंग। क्या बात, मम्मी कह रही है पापा फाइनल करेंगे, मैं कह रहा हूँ निशा फाइनल। तो मामला अटका पड़ा निशा और पापा पे, तो इसलिए कल चलना तुम दोनों, फिर फाइनल कर दें। ठीक है और ले लेना। मैंने तुम्हारे शिकंजी बना रखी थी, खाना दे रेडी कर रखा था भाई। गाय गर्मी बहुत है, बाहर मत निकले, मैं बाहर मत निकले, कोई जरूरी काम हो तो ही निकले, नहीं तो मत निकले। तो आइए गाइस आज कढ़ी चावल बनाया, साथ में चटनी है, खीरा और शिकंजी है। कैसे बने सुनील जी? बढ़िया बने, मैंने खाना रेडी करके ही गई थी, एज यूजुअल टेस्टी बने जैसे तू हमेशा बनाती है। तो आइए गाइस आप भी सुनील जी का खाइए। मम्मी के लिए मैंने पकौड़े की कड़ी बनाई थी, सुनील जी के लिए बिना पकौड़े की बनाई है, क्योंकि मम्मी को पकौड़े की कड़ी पसंद है। यहाँ से बोल डालेगी, यहाँ गिरेगी और नीचे से आगे यहाँ पे 1, 2, 3 बनेगी। क्या ले सुनील जी? फर्स्ट आएगी, सेकंड, थर्ड वो इसके ऊपर। ये भाई अस्पताल गई है, मुझे कह रही डैडी मुझे घूमने जाना है, वहाँ अस्पताल में गेम की दुकान देख ली। अच्छा। कह रही मुझे खिलौना लेना है, और ये वहाँ पसंद कर लिया उसने। आज तो खेलेगी बहुत, और कल इसका आता पता नहीं होगा बॉल कहाँ होगी, ये जम्बो कहीं और होगी। परी बस एक दिन के लिए आता है, उसके बाद तो इसके हाथ कहाँ, पैर कहाँ, टांगे कहाँ। देख ले दादी क्या कह रही। परी परी बोले दादी को, दादी आप नहीं तोड़ूंगा, बोल दे वहाँ देख के, बोल दे देख यहाँ देख के, बोल आप नहीं तोड़ परी देख इसको, बोलो एक बारी हेलो गाइस बोल देगी। यहाँ पंखा कह रही पंखा लेना है, लाइट चली जाती है पंखा चलाऊंगी। एक बार हेलो गाइस बोल दे बेटा, बोल दे हेलो गाइस, मैं क्या लेके आया हूँ, मैं खा लेके आया हूँ। हेलो गाइस बोल दे, मैं अपने तोड़ूंगा, बोल दे अपने तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ेगा। ठीक है चल जाओ क्या ठीक हो? मैं गेम लेके आया हूँ गाइस। गेम लेके आया गाइस? तो गाइस बता रही आपको गेम्स लेके आया, ये देखिए गाइस कितनी प्यारी गेम लेके आई है, खेल रही है। पर कौन किसने लेके दी आपको? आपको दादी ने लेके दी थी। हैं और क्या लाए हो? और भी एक चीज लाए थे ना आप, दूसरा टॉय कौन सा लाए थे? फैन। ये तो बड़ा अच्छा फैन है, आहा ये तो हवा दे रहा है बड़ी बड़ी। हाँ डैडी का 500 रुपए का कुंडा कराई है। डैडी आपसे बहुत लव करते हैं परी। अच्छा गाइस तुम सब ने खाना खा लिया? डैडी कितना लव करते हैं आपसे? डैडी अच्छे हैं ना आपके?
है परी, आप डैड से लव करते हो? मम्मी हाँ बेटा जा रहे हैं। अच्छा आप भी जा रहे हो? नहीं मम्मी जा रही है बस। अच्छा मुझे लगा आप भी जा रहे हो। नहीं मैं नहीं जा रहा। आप तो आ जाओगे ना? नहीं नहीं ये भी जा रहा है मासी के घर। ये मासी ने ये मंगाई थी कल के लिए। अरे मासी ने ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई है सुबह के लिए। अच्छा अच्छा ही दे जा मैं कहाँ से लाऊँ। तो वही मैं कहा मम्मी को छोड़ने जाऊँगा। चलो मैं जा रहा हूँ। गया और आया बस छोड़ के आ गया मम्मी। चलो आराम से ले लो ना रात का टाइम है ना। हाँ हाँ परी का नीचे सो रही ना आराम सब है। अब हैं सब ध्यान से चलाना फिर ठीक है मम्मी। बाय। जब परी ठीक हो तो कल देख लियो। परी की तबीयत देख करो ढीली हो ठीक नहीं है। अभी कोल्ड अभी दवाई दूंगी उसको कोल्ड की। चलो ठीक है फिर बाय। बाय आई होप आप सब ठीक होंगे। बस अभी खाना वाना खाया और ऊपर आए हैं। तो मैंने तो खाना मासी का ही खा लिया था। मैं तो मम्मी को छोड़ने गया था तो वहीं खाना बना हुआ था। मासी का ही खाना खा ले मैंने तो वहीं खाना खा लिया। आते आते लेट हो गए इन्होंने सब ने खा लिया नीचे। तो बस खाना खा के ऊपर आए हैं और सोने की तैयारी हो। परी तो नींद में आज जल्दी सो गई। कितने बजे सोई थी परी? सो गई थी आज सुबह। दस तो ये सो गई थी। पता नहीं क्या हो गए थे ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं। तभी ठीक नहीं थी ढंग से ना। इतने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं और जल्दी सो गई आज सुबह। दस में सो भी गई। चल कोई बात नहीं सो गई सुबह उठ जाएगी। सुबह उठेगी कुछ और खिला लूँगी उसको। सुबह उठेगी कुछ खिला के भेजिए खाली पेट मत भेजिए। पलंग देखने गए थे। पलंग पसंद तो आ गए। दो पलंग पसंद आए। एक मम्मी को भी आ गया एक मुझे भी आ गया। एक एक्चुअली नीचे फ्लोर के लिए ले रहे हैं एक ऊपर फ्लोर के लिए लेंगे। हम सोच रहे हैं परी का एक रूम बना दें। उसकी बुक्स वगैरह कपड़े वगैरह सब एक अलमारी लेके ना इसकी सेपरेट से बना दें। दूसरा रूम हमारा खाली पड़ा है तो वहाँ पे बना दें। तो पलंग तो पसंद कराया और गद्दे भी ले आएंगे। पलंग आ जाएगा अभी कल। मैं एक बार निशा को दिखा लूँ। कलर चूज़ करना है उसमें कलर चेंज करवाना है। जो पलंग उनके पास था ना तैयार थोड़ा डार्क कलर था और हम जो लाएंगे थोड़ा लाइट कलर बनवाएंगे तो उसमें लग जाएंगे। चार पाँच दिन तो लग ही जाएंगे आने में। तो निशा कल चलते हैं। कल तो टाइम नहीं कल मासी के वहाँ जाना है। परसों चलेंगे। परसों चल के एक बार पलंग फाइनल करके ना उसको ऑर्डर दे आते हैं फिर ले आते हैं ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते कल आपको नए ब्लॉग में। गुड नाइट टेक केयर बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए। तो गाइस बताइएगा कमेंट्स में कि सुनील जी को बेड पसंद कर रखा है कैसा लगा। तो फिर आप बताइएगा तो हम वही लेंगे बेड सुनील नहीं सबको वही पसंद आएगा वही अच्छा लग रहा था जो हमने पसंद करा ना। तीन चार में पसंद आया वही पसंद आएंगे। और बस कलर चेंज करवा के अपनी दीवारों में मैचिंग का हिसाब से कर लेंगे ना। मैचिंग देख कलर देख ना कल चेक कलर पसंद करके कर लेंगे ठीक है गाइस। ओके बाय बाय। गुड नाइट बाय बाय।